हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम पर्यावरणीय अध्ययन एग्जामिनेशन 2020 के प्रश्नों को हल करेंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है बायोलॉजी स्टडी, जिसपे आपका स्वागत है। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखें। सबसे पहला जो प्रश्न है, बायोगैस में प्रमुख घटक कौन कौन है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज द मीथेन। सेकेंड क्वेश्चन है, पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन है? तो मृदा कौन है? लोमी मृदा है। विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ? लोमी सॉइल। आइए अब अगला क्वेश्चन देखें, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। एशियाई शेर के संरक्षण के लिए गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है? गिर सेंचुरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एशियाटिक लायन इज सिचुएटेड इन गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। ओलिगोट्रॉफिक झील में पोषक तत्व पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। ओजोन परत को मापा जाता है किसमें? डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर में नापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रदूषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, इसमें पहला है पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का पाया जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है, उष्मीय प्रभाव से संबंधित है। जल में उच्च कोलिफॉर्म गणना का पाया जाना घोषक है कि जल क्या है? सीवेज द्वारा क्या है? प्रदूषित है। किस नदी में जल हेतु उच्च वीडियो बीओडी मान का तात्पर्य है कि नदी का जल क्या है? अत्यधिक प्रदूषित है। जिस जल का बीओडी मान अधिक होगा वह जल ज्यादा पोल्यूटेड होगा। विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यूट्रॉफिकेशन का कारण क्या है? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर टेट्राऑक्साइड, ये क्या है? मुख्य क्या है यूट्रॉफिकेशन के कारण है? यूट्रॉफिक झील है। यूट्रॉफिक झील में प्रचुर मात्रा में क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं? ताजमहल को निम्न के प्रभाव से खतरा उत्पन्न हो सकता है, SOT सल्फर डाइऑक्साइड से, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड आगे के जाकर क्या बनाता है? अम्ल वर्षा एसिड रेन का रूप ले लेता है, जो ताजमहल पे गिरता है, जिसे ताजमहल का रंग क्या है? उड़ रहा है। पौधों को वायु का शुद्धिकरण करने वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन निकालते हैं। ओजोन का निर्माण अधिकतम होता है किस क्षेत्र में? अंटार्कटिका क्षेत्र में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण हेतु है? एक सिंग वाले गैंडा के लिए क्या है? संरक्षित है। भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाने वाला अकेला सच्चा हिरण क्या है? वो है काला हिरण। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया है क्या? 1975 में। देखते हैं, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो नर्मदा नदी पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक फूल देने वाले पौधे का समूह क्या है? आर्किड है। मृदा जल वायु एवं ताप आते हैं किस में? भौतिक पर्यावरण में आते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं, जीव मंडल। प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता है प्रकृति के द्वारा। निम्नलिखित में से ऊपरी संसाधन की पहचान कीजिए, वायु। मिट्टी के नष्ट होने को तकनीकी भाषा में क्या करते हैं? मृदा अपरदन या सॉयल इरोजन कहते हैं। भूमि क्षरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। MAB किसके लिए है?
मैन एंड बायोस्फीयर के लिए है। निम्न में से बाघों के लिए संरक्षण कहाँ है? कार्बेट पार्क में है। वह क्षेत्र जो वन जीवों के कल्याण हेतु संरक्षित कहा जाता है, सेंचुरी। IUCN सूची में लाल डाटा बुक हमें निम्न संबंध के बारे में आंकड़े देती है संकटग्रस्त जातियों के लिए। इन सीटू संरक्षण तकनीक है, उसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय पार्क। घासी मैदान जहां कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हो कहलाता है सवाना कहलाता है। यदि पृथ्वी के सभी पौधे मर जाएं तो अंततः सभी जंतु मर जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक क्या है? जल है। विश्व में सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र किसका है? समुद्र का है। ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पे। पंपास निम्न में से किस घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय। DDT है एक अजैव विघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। जापान में मिनामोटा रोग का कारण क्या था? पारा। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, अंडमान में। निम्न में से कौन पीलिया कारक है? तो जल प्रदूषण, दूषित जल से यह फैलता है। वह क्षेत्र के विनाश से इससे कभी उत्पन्न होगी? डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, वर्षा को कम कर देगी। प्राणी जगत व वनस्पति जगत की अधिकतम विविधता पाई जाती है वर्षा से उत्पन्न वनों के बायोम में, रैन फॉरेस्ट बायोम में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पौधे के संरक्षण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सर सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसमें महिलाएं पेड़ों की रक्षा के लिए चारों ओर चिपक गई थी, जिसे लकड़हारे उनको काट नहीं पाए, जिससे पौधे का क्या हुआ? संरक्षण हुआ। तब से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी की सतह का कितना भाग वन आच्छिद है? लगभग 28% भाग। हमारे राष्ट्रीय पुष्प व वृक्ष कौन है? कमल और बरगद है। भोपाल गैस त्रासदी हेतु उत्तरदायी गैस कौन है? MIC मिस मिथाइल आइसोसाइनेट है। पारिस्थितिकी निम्न तत्वों से बनी होती है, उत्पादक, उपभोक्ता और बैक्टीरिया। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, अपघटक की जगह यहाँ जीवाणु दिया हुआ है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है यातायात नियंत्रक द्वारा, ध्वनि रोधी भवनों अर्थात इनमें से सभी से। भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? अभ्रक का होता है। खाद्य खड़ी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो प्रकाश संश्लेषी जीवों से है। विश्व वातावरण के संदर्भ में ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ऊष्मीय प्रभाव से। पवन ऊर्जा को माना जाता है नवीकरणीय संसाधन। लवण कक्ष किस श्रेणी में रखा जाता है? मैंग्रोव में रखा जाता। जल वाष्प है एक गैस। जल में अम्लता का सबसे आम कारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। मिट्टी का लाल रंग इसके ऑक्साइड की उपस्थित कारण होता है, लोहा के ऑक्साइड की वजह से। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। श्वसन जड़े किसमें पाई जाती है? मैंग्रोव पादपों में। शैवाल नियंत्रण हेतु किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? कॉपर सल्फेट का करते हैं। एक धातु जो प्रकृति में मूल रूप से पाई जाती है, तांबा। निम्न में से क्या ध्वनि प्रदूषण कारण नहीं होता है? दस्त। किस देश में विश्व में अधिकतम संख्या ट्यूबवेल है? ट्यूबवेल की अधिकतम संख्या है भारत में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा किसने दिया था? EP ओडम ने। टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर है? भागीरथी बांध किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा संसाधन को कहा जाता है बायोमास। वह स्थान जहां विश्व की भीषणतम न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी, चेर्नोबिल। कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाने वनों को क्या कहते हैं?
पर्णपाती डेसिडुअस फॉरेस्ट स्थानीय प्रजाति होती हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थानीकृत प्रजाति। आकाश का नीला रंग मुख्यतः है निम्न के कारण। हवा के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कब न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता दर्ज की जाती है, जिस समय तापमान अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित संपूर्ण जल राशि में से लगभग कितना हिस्सा मीठा जल है, 2.7। घंघर नदी इस राज्य में बहती है, हरियाणा में। मृदा में स्थित घुलनशील पोषक तत्व एवं खनिज की मात्रा किससे निर्धारित होती है, पीएच से निर्धारित होती है। वायुमंडलीय दबाव के मापन के लिए कौन सा यंत्र है, बैरोमीटर। कौन सा सुमेलित नहीं है, डेसिबल भार। डेसिबल क्या है, ध्वनि से संबंधित है। प्रकृति में सफाई करता किसे कहते हैं, अपघटक एवं अपमार्जक को। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। निम्न में से कौन सा जल समूह अत्यंत खारा एवं जलीय जीवन इसमें नहीं है, मृत सागर में। बैटरी चालित वाहनों ई वाहनों से किस प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता है। रिनेंथस और अमलबेर पौधे क्या होते हैं, परजीवी पैरासाइट होते हैं। सीएनजी का अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है, महानदी पे स्थित है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में के समुद्री तट की लंबाई सबसे अधिक है, गुजरात में। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने हेतु यंत्र का नाम क्या है, हाइग्रोमीटर। महासागरों में कोरल रीफ के क्षरण का कारण क्या है, ये कंफ्यूजन है जहां तक हम समझते हैं। वैश्विक तापन या महासागरीय अम्लीकरण हो सकता है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है। किस उपकरण द्वारा वायुयान की ऊंचाई को मापने का कार्य किया जाता है, अल्टीमीटर के द्वारा। वायुमंडल किस स्थल में बादल उत्पन्न होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। 2019 नोबेल कोरोना वायरस की पहचान सर्वप्रथम कहां हुई थी, चीन के वुहान शहर में। विद्युत बल्ब परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। एनाफिलीज मच्छर किस रोग को फैलाता है, मलेरिया को फैलाता है। इस तरह बच्चों हमने क्या क्या पर्यावरणीय अध्ययन के सभी क्वेश्चन को करने की कोशिश किया। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम अन्य किसी साल का क्या प्रश्नों को हल करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।